मुझे अपने पुत्र का मुख दिखाओ संज्ञा। मैं इसका तेज और वर्ण देखकर इसका नामकरण करूंगा। और तेजस्वी सूर्य का पुत्र इतना कुरूप नहीं हो सकता। ये तेजीन बालक मेरा पुत्र नहीं है। सत्य बताओ संज्ञा, किसका अंश है ये? किसका, किस पर पुरुष के साथ गमन किया है तुमने? अपना हो या पराया, जो भी अन्याय करेगा उसे क्षमा नहीं करेगा यह न्याय अधिकारी। मेरा विश्वास कीजिए देव, ये आप ही का पुत्र है। नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मेरे तेज को लज्जित करने वाला ये बालक तुम्हारे पूरे चरित्र का प्रमाण है। ले जाओ इसे मेरी दृष्टि से दूर। चरित्रहीन, सूर्य पर ग्रहण।
असंभव, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे देश पे ग्रहण कैसे लगा? अब सिद्ध हो गया है, ये मेरा पुत्र नहीं है। पिता के सामने पुत्र की दृष्टि झुकती है, जिसने जन्म लेते ही मुझ पर वक्र दृष्टि डाली, वो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। महादेव की सौगंध, ये आप ही का पुत्र है देव। यदि मेरे कथन में तनिक भी असत्य हो तो महादेव यही इसी क्षण मेरा संहार कर दे। मैं सारी सृष्टि को साक्षी मानकर कहती हूं, ये आप ही का अंश है। और मैं नहीं चाहता कि सृष्टि में किसी को भी ज्ञात हो कि ये मेरा अंश है। जो पुत्र पिता को कलंकित कर दे, उसका प्रारब्ध केवल काल है। नहीं देव, सूर्य के ताप से बने मेघ भी कभी कभी सूर्य को ढक लेते, परंतु सूर्य उनका नाश नहीं करता। ये सब बहुत पर दया करे देव, मेरे कारण। तलवार उसे धारण करने वाले योद्धा का हाथ ही घायल कर दे, उसके भाग्य में केवल एक ही प्रारब्ध होता है, परित्याग। नहीं दे। हां संज्ञा, मैं इस शिशु का परित्याग करता हूं। इसे श्राप देता हूं कि जब भी मेरी दृष्टि इस पर पड़ेगी, मेरी एक भी किरण जिस पल इसे स्पर्श करेगी, यह भस्म हो जाएगा। ले जाओ इसे मेरी दृष्टि से दूर, जहां सूर्य की किरणें ना पहुंचे। तो कहां दे, कहां ले जाऊं? ऐसा कौन सा स्थान है जहां आपकी किरण ना पहुंचे? मैं पहले भी कह चुका हूं, अपनी समस्या का हल स्वयं खोजना पड़ता है। तुम्हारे पास समय है तो केवल मेरे पुनः उदय होने तक का।
मेरे पुत्र की रक्षा करो अश्वराज, किसी ऐसे स्थान पर ले जाओ जहाँ सूर्यदेव की किरण इसे स्पर्श न कर सके। शीघ्रता करो अश्वराज, शीघ्रता करो। मार्ग बंद है, क्या करूं? महादेव, कैसे बचाऊं अपने पुत्र को? माता के रहते संतान का पिता क्या तो अंत हो जाए? ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। पिता ने अपना कर्म किया, लेकिन अब तुम्हारी माता अपना कर्तव्य निभाएगी। संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव का मुख आज मलिन क्यों? जब से हम अस्तित्व में आए आपके ऊर्जा प्रवाह में ऐसा अवरोध कभी नहीं देखा। एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हमने आपको खो दिया।
अचानक ये सब क्या हुआ सूर्यदेव? मौन, मौन यहां तो कुछ ना जानने का आभास होता है, और यहां फिर सब कुछ जानकर भी उसे छिपाने का प्रयास। आपके मौन का उत्तर क्या है सूर्यदेव? सूर्यदेव, आपने उत्तर नहीं दिया। जब प्रश्न ही अनुचित है तो उत्तर कहां से मिलेगा इंद्रदेव? जिस पर वश नहीं वहां पर मौन रह जाना ही विवशता होती है। मुझे ज्ञात नहीं ये सब क्यों हुआ, परंतु आज जब मैं अपने सिंहासन पर बैठा था तब एक अजीब सी हलचल अनुभव की मैंने। हो सकता है इस आसन में ही कहीं कोई समस्या उत्पन्न हुई हो। इतने वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विश्वकर्मा के निर्माण में कोई कमी रह गई हो। प्रणिपात देव विश्वकर्मा। प्रणिपात सूर्यदेव, आज दो विचित्र बातें एक साथ हुई हैं। पहली कि सूर्यदेव की ऊर्जा में असंतुलन उत्पन्न हुआ, और दूसरी मेरे यहां आने पर मेरी पुत्री मेरे स्वागत के लिए उपस्थित नहीं। संध्या कहां है सूर्यदेव? की नियति देखो, सूर्यलोक में उपस्थित इस वन में स्वयं सूर्यदेव का प्रकाश नहीं आ सकता। विधाता ने हमें यहाँ भेजा है ताकि तुम अपने पिता की किरणों से मुक्त रह सको। अब यही हमारा घर होगा। पिता पुत्री के घर आए और पुत्री को ना पाए तो मन में दुख के साथ साथ संदेह भी जन्म ले लेता है। सूर्यदेव कहाँ है संज्ञा? संज्ञा अर्चना करने गई, अभी लौट कर आई। प्रश्न ये है कि आप इस समय यहां क्यों आए हैं देव विश्वकर्मा? कोई विशेष कारण? कारण से ही तो आया हूं। इंद्रलोक गया था, ज्ञात हुआ कि आप यहां बता रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप मेरे लौटने की प्रतीक्षा भी ना कर सके? क्योंकि आपको सूचना देनी थी कि आपके मांगे हुए अस्त्रों के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी।
और इस विलंब का कारण? क्योंकि किसी और का आदेश मुझे पहले पूर्ण करना है इंद्रदेव। किसका आदेश मुझसे महत्वपूर्ण हो गया देव विश्वकर्मा? ज्ञात है ना आपको मैं कौन? देवराज इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। और वो महादेव हैं। क्या मुझे महादेव की आज्ञा पालन में विलंब का आदेश दे रहे हैं इंद्रदेव? महादेव, देव विश्वकर्मा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, अवश्य प्रतीक्षा करूंगा। परंतु देव विश्वकर्मा, महादेव तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें वाला किसी और शस्त्र की क्या आवश्यकता? आवश्यकता उस नई शक्ति के लिए है जिसे सृष्टि में न्याय का संतुलन स्थापित करना है। क्या क्या अस्त्र बनाया है आपने देव? सुनने से अच्छा होगा कि आप स्वयं देख लें इंद्रदेव। और तेजस्वी सूर्य का पुत्र इतना कुरूप नहीं हो सकता। ले जाओ इसे मेरी दृष्टि से दूर, जहां सूर्य की किरणें ना पहुंचे। भाग्य की विडंबना देखो, संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य के पुत्र को अपना जीवन हमें जीना होगा। नहीं, मेरे मुख की प्रसन्नता देखो। शांत हो जाओ पुत्र। मैं तुम्हें पाकर प्रसन्न हूं पुत्र। जो पुत्र अपनी माता का अपमान और पीड़ा ना सह सके, ऐसे पुत्र को पाकर कौन माता धन्य नहीं होगी। फलदार वृक्ष बनने के लिए
बीज को अपनी जड़ों से दूर होना पड़ता है। कदाचित इसीलिए नियति ने तुम्हें तुम्हारे पिता से दूर किया। अवश्य ही तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। किंतु क्या है वो उद्देश्य? कर्म फलदाता का दंड है ये देवराज। देव, ऐसा क्या अद्भुत है इस दंड? बताइए। अब इससे अद्भुत और क्या होगा देवराज, कि इसे केवल इसका वास्तविक अधिकारी ही उठा सकता है, जिसका दंड आपके नियंत्रण में नहीं, वो शक्ति आपके नियंत्रण में नहीं आ सकती। कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता, देवराजेंद्र हूं मैं, देवराजेंद्र। मैं उस शक्ति पर अपना नियंत्रण करूंगा। बस एक बार ये ज्ञात हो जाए कि वो शक्ति है कौन, नाम क्या है उसका। शास्त्र कहते हैं कि नामकरण करने का अधिकार पिता का होता है, किंतु मैं ये नहीं मानती। जितना अधिकार संतान पर पिता का होता है, उतना ही माता का भी। तुम्हारा नाम पर मैं करूंगी, किंतु क्या होगा तुम्हारा नाम? क्या वो उस उद्देश्य को अर्थ देगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? हे महादेव, ये आप ही का प्रसाद है। इसके नामकरण में अब आप ही मेरी सहायता करें। श्रीदेवाय नमः। तो बताइए नारायण, क्या होगा इस शक्ति का नाम? इस शक्ति को कर्म का फल देना है महादेव। कर्म बीज होता है और बीज से फल धीरे धीरे बनता है। न्याय करने में भी समय लगता है, धीरज के साथ धीरे धीरे। शनाय 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 चने 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 शनाय शनाय शनाय। Thank you.
दंड में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अर्थात इस दंड का अधिकारी अस्तित्व में आ गया है। शनै क्रमति क्रमति क्रम सा 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 शनै 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 क्रमति सा, जिसकी चाल होगी धीमी तेज होगी मार, जिसकी पच्चाप सुनाएगी न्याय ध्वनि कर्म फल दाता। शनि 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 For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.